नमस्कार, मैं अनुष्ठा मिश्रा, कक्षा 8 की छात्रा। आज आपको मुहावरों के बारे में समझाऊंगी। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि मुहावरे होते क्या हैं। जो वाक्य या वाक्यांश भाषा में साधारण रूप ना बदलाकर, साधारण अर्थ ना बदलाकर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें हम मुहावरे कहते हैं। जैसे ऊँट के मुँह में जीरा, गले का हार, दाल में कुछ काला होना आदि। अब हम लोग मुहावरों पर एक क्रियाकलाप करेंगे। इस क्रियाकलाप में हमारे पास 4 कार्ड है। हर कार्ड में कुछ चित्र बने हैं और आपको वो चित्र देखकर ये गेस करना है कि वो कौन सा मुहावरा है। तो सबसे पहले कार्ड में एक जगह पैर का चित्र है और दूसरी जगह कुल्हाड़ी का चित्र है। तो मुझे लगता है अब तक तो आप जान गए होंगे कि यह मुहावरा है पैर पर कुल्हाड़ी मारना, जिसका अर्थ होता है खुद को स्वयं संकट में डाल देना। दूसरे कार्ड में हमारे पास एक जगह आग का चित्र है और दूसरी जगह घी का चित्र है। घी की एक कटोरी है। अब मैं आपको यह मुहावरा भी समझाती हूँ। यह मुहावरा है आग में घी डालना, अर्थात किसी को भड़काना। तीसरे कार्ड में हमारे पास एक जगह आंख का चित्र है और दूसरी जगह तारे का चित्र है। ये मुहावरा है आंखों का तारा, जिसका अर्थ होता है सबसे प्यारा। अब इस आखिरी कार्ड में हमारे पास एक जगह 9 लिखा हुआ है और दूसरी जगह 2 लिखा हुआ है। हाँ, तो ये मुहावरा है 9 2 11 हो जाना, जिसका मतलब होता है भाग जाना। तो ये था हमारा मुहावरों पर क्रियाकलाप। अब एक बार फिर से समझते हैं कि मुहावरे क्या होते हैं। जो वाक्य या वाक्यांश भाषा में साधारण अर्थ ना बतलाकर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें हम मुहावरे कहते हैं। धन्यवाद।